किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि पर लहसुन का भाव जाएगा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार। इस पर मोदी लहसुन आयात निर्यात फार्मूला लागू होगा और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया जिससे सभी राज्यों और देशों में यह मोदी फार्मूला निर्यात लागू होगा, जिससे कि नवरात्रा के दिनों में लहसुन का भाव 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ऊपर पहुंचेगा। दोस्तों, यह सभी जानकारी हमारे अनुमान से बताई जा रही है और आप अपने लहसुन को बेचने और ख़रीदने का निर्णय स्वयं के विवेक से जरूर लें। दोस्तों, लहसुन के बारे में या किसी भी फसल के आगे के भविष्यवाणी बताने में बहुत ही कठिनाई आती है, लेकिन इस वीडियो में केवल हमारा और कोई व्यापारी बंधुओं का केवल अनुमान बताया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लहसुन के भाव में ज़्यादा तेज़ी देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन इस बार आपको नवरात्रा के दिनों में आपको लहसुन के भाव में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, व्यापारियों द्वारा हमारा अनुमान बताया जा रहा है कि व्यापारियों का भी कहना है कि लहसुन के भाव में थोड़ी आपको तेज़ी दिखाई देगी, लहसुन का भाव 15,000 रुपये के पार जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर माह के एंड में या नवंबर फर्स्ट में नया लहसुन मंडियों में आना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार अधिक बारिश की वजह से लहसुन मंडियों में नहीं आ पाया। जैसा कि दोस्तों जहां लहसुन का उत्पादन जिन क्षेत्रों में होता है वहां पर अधिक भारी वर्षा हुई पहले से चल रही है, और दोस्तों अभी आज से और बारिश की संभावनाएं नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही हैं। जिन जिन क्षेत्रों में लहसुन की बुआई होती है वहां पर लहसुन की बुआई इस साल देरी से हुई, इस प्रकार इस बार मंडियों में लहसुन या नया लहसुन देरी से दिखाई देगा। इस प्रकार आपको लहसुन के भाव में पुराने लहसुन के भाव में बोर वाला तेज़ी का दिखाई देता रहेगा। दूसरा कारण दोस्तों यह निकल कर आ रहा है कि भारी बारिश की वजह से लहसुन का उत्पादन भी कम होगा। इससे भारी बारिश के कारण लहसुन की फसल बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसका असर मंडियों में लहसुन के भाव पर पड़ेगा और लहसुन के भाव में आपको तेज़ी भी दिखाई देगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसानों ने बहुत अधिक लहसुन मात्रा में निकाल दिया है, अब किसानों के पास मात्र कम स्टॉक बचा हुआ है, लेकिन अभी मंडियां सुचारू रूप से नहीं चल पाने के कारण भी मंडियों में लहसुन की आवकें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, आपको अब कुछ दिनों के बाद में लहसुन के भाव में आपको तेज़ी दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों अब किसानों के पास उतना अधिक लहसुन नहीं है कि वो भाव को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आवकें कम रहेगी और भाव आपको लहसुन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी तक किसी भी प्रकार का नया लहसुन मंडियों में नहीं आया है और पुराने भाव में ही आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आगे यह तेज़ी लंबे समय तक जारी रहेगी जब तक आपको मंडियों में नया लहसुन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों तक आपका लहसुन का भाव 15,000 रुपये के पार जाएगा। इस तेज़ी में आप अपने लहसुन को जरूर निकालें, अन्यथा इस तेज़ी के बाद आपको लहसुन में तेज़ी दीपावली पर मिलेगी, उसके बीच में आपको लहसुन में किसी भी प्रकार की तेज़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों विदेशों में लगातार लहसुन की मांग बढ़ रही है और सरकार पूर्णतः अभी तक लहसुन का निर्यात कर रही है, अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है, जिससे कि आपको आगे चल कर लहसुन के भाव में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।